बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 38 से पहले मैंने लेक्चर 37 रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रजिस्टर अ न्यू डोमेन नेम विद लाउड 53 रजिस्ट्रार। ठीक है जी, तो वो हमने रजिस्टर किया था और रजिस्टर करने के बाद मैंने आपको कहा था कि एंड पे लिखा हुआ आ रहा था कि इट टेक्स ऑलमोस्ट 72 आवर्स टू रजिस्टर अ न्यू डोमेन। ठीक है जी, तो उसके बाद लेक्चर मैंने एंड कर दिया था और तकरीबन उसने 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स आई थिंक लिए थे। 15 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी डोमेन जो है वो क्या हो गई थी, रजिस्टर हो गई थी। आज का लेक्चर जो है बेसिकली वो है राउटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डोमेन रजिस्टर की थी, ठीक है, तो वो उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवाता चलूँ पहले कि वो डोमेन हमारी रजिस्टर हो गई है और उसके बाद जो है फिर हम राउटिंग पॉलिसीज़ की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको एक ईमेल शो करवा दूं, ठीक है। एक ईमेल मुझे आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स रिसीव हो गई थी और उसमें लिखा हुआ था वी हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डोमेन, वी आल्सो क्रिएटेड अ होस्टेड जोन फॉर योर डोमेन। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक डोमेन नेम क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो एक पब्लिक होस्टेड जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। उस पब्लिक होस्टेड जोन के अंदर हमारे पास दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक नेम सर्वर रिकॉर्ड और एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो वो आपको बता रहा है क्या एक होस्टेड जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी गई है। दिस होस्टेड जोन इज़ वेयर यू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू राउट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन। अब हमने जब अपनी उर्दू एटिकेडमी क्लाउड डॉट कॉम जो हमारी डोमेन है, इसके लिए जब हम ट्रैफिक राउट करवाएंगे टूवर्ड्स एनी रिसोर्स, वो हम कहाँ पर उसकी कन्फिग्रेशन कर रहे होंगे, इस होस्टेड जोन के अंदर जो भी हमने होस्टेड जोन क्रिएट हुई है। ठीक है, मैं आपको भी शो करवा देता हूँ। और टू एन अमेज़ॉन, अब वो क्या हो सकता है, आपका अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस हो सकता है और क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या कोई IP एड्रेस हो सकता है किसी वेब सर्वर का, या कोई मेल सर्वर का IP एड्रेस हो सकता है, या कोई इलास्टिक लोड बैलेंसर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको वो दिखाता चलूँ। ये देखें जी, सर्विस राउट 53 आप सेलेक्ट करेंगे हिस्ट्री से, या आप वहाँ जाके सर्विस सेलेक्ट कर लें कंटेंट डिलीवरी में। यहाँ पे अब आपको ये देखें शो कर रहा है DNS मैनेजमेंट में 1 आपकी होस्टेड जोन है। ठीक है जी, और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल साइट पे करता हूँ तो ये देखें जी, डोमेन रजिस्ट्रेशन वो आपको कह रहा है 1 डोमेन रजिस्टर्ड, एक डोमेन हमारी जो है वो रजिस्टर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करें, हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने पेंडिंग रिक्वेस्ट में हमारी जो डोमेन थी वो पेंडिंग स्टेटस में थी, अब जो है वो रजिस्टर हो गई है। और रजिस्टर होने के बाद ये देखें जी, हमें यहाँ पर शो हो रहा है UrduITAcademyCloud.com हमारी डोमेन है, ऑल कॉन्टेक्ट एक्सपायरेशन डेट ये है, आज ही 26 जून को हमने रजिस्टर की है, और वन ईयर जो है वो आफ्टर 1 ईयर ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, और ऑटो रिन्यू पे लगी हुई है, वो बाद में मैं सेटिंग्स चेंज कर लूँगा। ठीक है जी, तो हम मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह से हमने डोमेन रजिस्टर की है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे UrduITAcademyCloud.com के अंदर, तो इसके अंदर फर्दर आप जो है वो देख सकते हैं, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो भी मैंने इस डोमेन की इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, वो आप अपने एंड पे कर लीजिएगा, मैं अभी इसको नहीं कर रहा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक होती है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि जब डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं साथ ही क्या होता है, होस्टेड जोन क्रिएट होती है, तो वो हम होस्टेड जोन भी देख सकते हैं। ये देखें जी, जो डोमेन नेम होगा सेम उसी नेम की आपकी एक होस्टेड जोन क्रिएट होगी, UrduITAcademyCloud.com। ठीक है, वो आपको बता रहा है इसके अंदर कितने रिकॉर्ड सेट हैं इस वक्त, 2, कमेंट होस्टेड जोन क्रिएटेड बाय राउट 53। ठीक है, ये राउट 53, अच्छा थोड़ा सा इधर नहीं हो रहा, राउट 53 जो है उसने ये क्रिएट की है होस्टेड जोन। ठीक है जी, ये होस्टेड जोन हमने क्रिएट नहीं की। अच्छा, इस पर क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फर्दर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 तरह के, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ स्क्रीन की ज़रा, ताकि आपको क्लियर शो हो। ये देखें, अब आपको सही शो हो रहा है, जब हमने होस्टेड जोन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये 2 अंदर रिकॉर्ड हमारे शो हो रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं। ठीक है जी, और उसके अंदर ये हमारा नेम सर्वर रिकॉर्ड है और ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड है, इसके अंदर TTL वगैरह होता है, और ये हमारे आपको बताया था टॉप लेवल डोमेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, रिडंडेंसी पर्पज़ के लिए होती हैं। ठीक है, और अब फर्दर अगर हमने अपने इस डोमेन की UrduITAcademyCloud.com की राउटिंग करवानी है टूवर्ड्स आवर रिसोर्स एनी रिसोर्स, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्रिएट रिकॉर्ड सेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें राइट साइड पे एक विंडो आपके पास ओपन होगी, यहाँ पे आपकी ये डोमेन नेम है
उर्दू आई टी अकेडमी क्लाउड डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे आप www कर लें या वट एवर कर लें, और नीचे आप टाइप रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, वो टाइप ए रिकॉर्ड है, MX रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी तरह फर्दर यहाँ पे NS नेम सर्वर रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, या आप कोई एलियस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स आपको IP एड्रेस नहीं पता, आपको कोई एलियस है, अगर आप एलियस यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ये मैं फर्दर आपको डिटेल से बताऊँगा, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है। एलियस पे क्लिक करेंगे, ये देखें, ये AWS की रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अगर कोई चल रहा है आपके AWS अकाउंट में, या क्लासिक लोड बैलेंसर चल रहा है, या नेटवर्क लोड बैलेंसर चल रहा है, ठीक है। ये देखें मेरे केस में ये बता रहा है, मैंने एक नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाया हुआ है, जो कि मैं अभी इस लेक्चर में नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको लैब करवाऊँगा राउटिंग की, तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा ये मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। फर्दर अभी फ़िलहाल आप देख लें। उसके बाद ये हमारे पास ये राउटिंग पॉलिसी है, राउटिंग पॉलिसी जो हमारे पास 5 टाइप्स की होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने राउटिंग पॉलिसी ही डिस्कस करनी है, कैसे हम राउटिंग पॉलिसी जो है वो कॉन्फ़िगर करते होते हैं। तो ये था जी, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे आपका रिसोर्स, आपका रिकॉर्ड सेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आज हम क्रिएट नहीं कर रहे, आज हम देखेंगे राउटिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपको वन बाय वन हर राउटिंग पॉलिसी की एक लैब करवाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इस डोमेन के अगेंस्ट हम अगर ये राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या होता है, सिंपल, वेटेड, लेटेंसी, फेलओवर, जियोलोकेशन, ठीक है। ये सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और मैंने आपको बताया था कि डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो है वो कोई नहीं होता, अंडर फ्री टायर नहीं होती, उसके आपको चार्जेस होते हैं, ठीक है। मुझे साथ ही उसी टाइम मैंने जब रजिस्टर की थी तो आफ्टर 2 मिनट्स मुझे एक ईमेल भी आ गई थी कि आपके अकाउंट से जो है वो इतने डॉलर्स, $12 डिडक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अंडर फ्री टायर अकाउंट नहीं होती डोमेन रजिस्ट्रेशन, अगर आप करेंगे तो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास राउटिंग पॉलिसीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 38, डेट इज़ राउटिंग पॉलिसीज़। अब राउटिंग पॉलिसीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, जब आप डोमेन नेम रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आप राउटिंग करते हैं, वो राउटिंग आप कौन कौन सी कर सकते हैं, सिंपल राउटिंग पॉलिसी कर सकते हैं, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी कन्फिगर कर सकते हैं, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी, लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी, और वेटेड राउटिंग पॉलिसी आप कन्फिगर कर सकते हैं। सिंपल राउटिंग पॉलिसी क्या होती है जी, यूज़ फॉर अ सिंगल रिसोर्स डेट परफॉर्म्स अ गिवन फंक्शन फॉर योर डोमेन। फॉर एग्जांपल हमने डोमेन नेम रजिस्टर की है उर्दू आई टी अकेडमी क्लाउड डॉट कॉम, अब उसके अगेंस्ट मैंने अपनी एक राउटिंग करनी है कि मेरा एंड यूज़र जो है वो जब भी अपने ब्राउज़र के अंदर उर्दू आई टी अकेडमी क्लाउड डॉट कॉम एंटर करे, और एंटर करने के साथ ही उसको कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो। मैं चाहता हूँ कोई वेब सर्वर डिस्प्ले हो जाए, कोई वेबसाइट मैंने बैकएंड पे रन कर ली है, वो कहीं ना कहीं उसका कोई IP एड्रेस होगा, ठीक है जी, वो किसी सर्वर पे चल रही होगी। अब ये उर्दू आई टी क्लाउड डॉट कॉम ये तो कोई सर्वर नहीं है, ये जस्ट एक नेम है, इसके बैकएंड पे एक सर्वर चल रहा होगा, वो हमने उसको राउट करवाना होता है टूवर्ड्स अपने जो डोमेन नेम है, उसको राउट करवाना होता है टूवर्ड्स आवर सर्वर जहाँ पे हमारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है जी। तो वो एक सिंपल, जब आप वेब सर्वर की तरफ कोई राउटिंग कर देंगे, या मेल सर्वर की तरफ, या लोड बैलेंसिंग की तरफ, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल राउटिंग पॉलिसी, आपने सिंपल राउटिंग कर दी है। ये मैं आपको लैब में दिखाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको परफेक्ट समझ आएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी होती है, यूज़ व्हेन यू वांट टू कॉन्फ़िगर एक्टिव पैसिव फिल्टर। जब आपका एक एक्टिव हो, ठीक है, आपके दो सर्वर्स, फॉर एग्जांपल दो वेबसाइट्स कॉन्फ़िगर हुई हैं, आप कहते हैं कि एक वेबसाइट जैसे ही डाउन हो तो मेरी ट्रैफिक जो है वो उर्दू आई टी क्लाउड डॉट कॉम के ऊपर जो भी यूज़र्स आ रहे हैं उनको ना पता चले कि मेरा प्राइमरी वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई है, ऑटोमेटिकली जो है वो सेकेंडरी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट हो जाए, ठीक है जी। फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी, जियो लोकेशन आप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे यूज़र जो यूरोप से आ रहे हैं उनको जो है मैं इन सर्वर्स के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर राउट करवाना चाहता हूँ, मेरे जो यूज़र्स ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं उनको मैं इस सर्वर के ऊपर राउट करवाना चाहता हूँ, इस वेबसाइट के ऊपर राउट करवाना चाहता हूँ, जो यूज़र्स मेरे एशिया से आ रहे हैं मैं चाहता हूँ वो सारे सिर्फ इस वाली वेबसाइट के ऊपर राउट हों, तो आप जियो लोकेशन भी कर सकते हैं राउटिंग। लेटेंसी राउटिंग आप कर सकते हैं, यूज़ व्हेन यू हैव रिसोर्सेज इन मल्टीपल लोकेशंस एंड यू वांट टू राउट ट्रैफिक टू रिसोर्स दैट प्रोवाइड द बेस्ट लेटेंसी। आपका कोई यूज़र आ रहा है, एक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, आपके सर्वर्स वेबसाइट एक ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है और एक जो है वो साउथ अफ्रीका में पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो आपके जब यूज़र ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो उसको लेटेंसी कौन सी वेबसाइट की तरफ कम लेटेंसी मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेब सर्वर पड़ा हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपकी जो लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी करेंगे तो आपके जो यूज़र्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आ रहे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वेबसाइट पड़ी हुई है उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और अगर कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है तो साउथ अफ्रीका के अंदर कोई वेब सर्वर अगर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है तो यूज़र्स को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा।
इस तरह वेटेड राउटिंग पॉलिसी आप चाहते हैं कि यार मल्टीपल रिसोर्सेज आपके पड़े हुए हैं, कहीं भी आप पड़े हुए हैं, चाहे वो डिफरेंट रीजन्स में पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं यार 50% ट्रैफिक ऑस्ट्रेलिया में ही जाती रहे, चाहे यूज़र जहाँ से मर्ज़ी से आ रहे हैं, एंड यूज़र कहीं से भी आ रहा है, वो कहीं भी वेब ब्राउज़र में इंटर कर रहा है, तो आपके जो वेटेड राउटिंग पॉलिसी में क्या आप 50% आप कहते हैं कि यार नॉर्थ वर्जीनिया की तरफ डाइवर्ट होती रहे और 50% जो है वो साउथ अफ्रीका में, अगर मेरी वेबसाइट की पड़ी हुई है या कोई और एप्लीकेशन या कोई वेब सर्वर चल रहा है, कुछ भी बैकएंड पे हो सकता है, तो 50% वहाँ वेटेड आप राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या आप 80-20 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप सारी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं सिंपल राउटिंग पॉलिसी। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट राउटिंग पॉलिसी व्हेन यू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड सेट। तो मैंने आपको बताया डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद एक आप रिकॉर्ड सेट क्रिएट करते हैं खुद से, उसके अंदर फिर आप राउटिंग पॉलिसीज कन्फिगर करते हैं। तो सिंपल राउटिंग पॉलिसी में आप क्या करेंगे, सिंपल जो आपका एक डोमेन नेम है उसके अगेंस्ट आप कोई भी अपना एक सर्वर सेटअप करेंगे, ठीक है जी। ये देखें बेसिकली होगा क्या, ये एक यूज़र है, इसने अपने वेब ब्राउज़र में एंटर किया urdu-itacademy-cloud.com। जैसे ही इंटर किया तो वो कहाँ पे आएगी आपकी ट्रैफिक, राउट 53 के पास, डॉट कॉम के पास पहले जाएगी। डॉट कॉम उसे बताएगा कि आपकी डोमेन कहाँ पर रजिस्टर है जी, राउट 53 के पास। राउट 53 के पास ट्रैफिक आएगी और राउट 53 फिर देखेगा कि मैंने राउटिंग कहाँ करवानी है, वो पता यहाँ से देखेगा कि जी राउटिंग जो है मैंने US-East-1 में मेरा वेब सर्वर पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ पर राउटिंग करवानी है। तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल राउटिंग पॉलिसी। यहाँ पर जो भी वेब सर्वर होगा, ठीक है, राउट urdu-itacademy-cloud.com की ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है जी वेटेड राउटिंग पॉलिसी। वेटेड राउटिंग पॉलिसी में क्या होगा, जब आपका यूज़र है, ये यूज़र अपने एंड पे ब्राउज़र में जब एंटर करेगा urdu-itacademy-cloud.com, तो ट्रैफिक कहाँ आएगी आपकी, राउट 53 के पास आएगी, और राउट 53 में आपकी डोमेन रजिस्टर है, और राउट 53 आगे डिसाइड करेगा, उसके अंदर राउटिंग हुई होगी कि 20% ट्रैफिक आपकी कहाँ सेंड करनी है, जो आपके US-East-1 के अंदर, ये एक रीजन का नेम है, ठीक है, US-West-1 ये भी एक रीजन का नेम है, आई थिंक ये नॉर्थ वर्जीनिया है और इसका मुझे कंफर्म नहीं, शायद ओहायो हो या कुछ और हो, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो US-East-1 यानी 20% जो है वो इस रीजन के अंदर, और 80% राउट 53 आपकी राउटिंग जो है वो इस रीजन के अंदर कर रहा होगा, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं US-West-1 के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्शन वेबसाइट पड़ी हुई है, इसके अंदर आपने कोई टेस्ट वेबसाइट रखी हुई है, तो आप ये भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि यार मेरे जो एंड यूज़र्स की ट्रैफिक आ रही है राउट 53, 20% ट्रैफिक जो है वो टेस्ट इन्वायरमेंट में सेंड करता रहे, टेस्ट वेबसाइट पे, और 80% जो है वो प्रोडक्शन पे सेंड करता रहे, आप ये भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये हम वन बाय वन हर राउटिंग पॉलिसी में कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको लैब में, डोंट वरी। लेटेंसी बेस्ड राउटिंग मैंने आपको बताया, कोई यूज़र है फॉर एग्जांपल वो साउथ अफ्रीकन यूज़र है, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका से आ रहा है, उसने एंटर किया urdu-itacademy-cloud.com, आपकी ट्रैफिक राउट 53 के पास आई, राउट 53 के अंदर हमने लेटेंसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है, और लेटेंसी बेस्ड राउटिंग में हमने दो रीजन सेटअप कर दिए। अब ये राउटिंग राउट 53 डिसाइड करेगा कि किस रीजन की तरफ लेटेंसी जो है वो, इस रीजन में भी वेबसाइट पड़ी हुई है, इस रीजन में भी वेबसाइट पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो किस रीजन में लेटेंसी कम मिल रही है, राउट 53 डिसाइड करेगा अगर हमने लेटेंसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर की होगी। तो जिस तरफ जो है लेटेंसी कम मिल रही होगी, राउट 53 हमारा जो एंड यूज़र है उसको उस तरफ डाइवर्ट कर देगा उसकी ट्रैफिक को, ठीक है। तो विच रीजन विल गिव देम द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, ऑब्वियसली जहाँ से लेटेंसी कम होगी वहीं से उसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी फेल ओवर। फेल ओवर में क्या कर रहा होता है, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसीज आर यूज व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन एक्टिव पैसिव सेटअप। फॉर एग्जांपल यू मे वांट योर प्राइमरी साइट टू बी, प्राइमरी साइट आपके इस रीजन में पड़ी हुई है और सेकेंडरी DR साइट जो है वो आपके इस रीजन में पड़ी हुई है, किसी और रीजन में पड़ी हुई है, तो राउट 53 क्या करेगा, विल मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर प्राइमरी साइट यूजिंग द हेल्थ चेक। अब इसमें फेल ओवर में हम क्या करेंगे, हेल्थ चेक्स कन्फिगर करेंगे। हमारे एंड यूज़र, ये हमारा एंड यूज़र है, एंड यूज़र से ट्रैफिक कहाँ पे आएगी, राउट 53 के पास आएगी। राउट 53 पहले क्या कर रहा होगा, हेल्थ चेक कर रहा होगा, हमने कॉन्फ़िगर किया होगा फेल ओवर राउटिंग में, ये हमारा जो रीजन है ये एक्टिव है और इस रीजन के अंदर जो हमारा वेब सर्वर पड़ा हुआ है वो क्या है, पैसिव वेब सर्वर, पैसिव है, ठीक है जी। और हम दोनों पे क्या करेंगे, हेल्थ चेक्स कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। एक्टिव पे जैसे ही हेल्थ चेक हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो वेब सर्वर डाउन हो गया या हमारा EC2 इंस्टांस जो है वो डाउन हो गया है, तो हेल्थ चेक क्या हो जाएंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, हेल्थ चेक देखेगा जी वो तो सर्वर डाउन हो गया तो हमारी ट्रैफिक कहाँ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी, हमारे
पैसिव की तरफ, ठीक है, जो पैसिव हमारा सर्वर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये रीजन डाउन हुआ या इसके अंदर वेब सर्वर डाउन हुआ तो ये एक्टिव डाउन हो जाएगा और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली एंड यूज़र को पता भी नहीं चलेगा और ट्रैफिक जो है वो इस रीजन के अंदर जो हमारी वेबसाइट सेम वेबसाइट्स होंगी इसके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जियो लोकेशन राउटिंग। जियो लोकेशन राउटिंग में मैंने आपको बताया है कि हम जो है वो यूज़र बेस जो है वो राउटिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं जो हमारे यूरोपियन कस्टमर्स हैं वो जब राउट 53 के पास उनकी ट्रैफिक आती है तो हम उसे कहते हैं कि उनकी ट्रैफिक सिर्फ इस रीजन में जानी चाहिए, इस रीजन में अंदर जो भी हमारे सर्वर्स हैं उस पर जानी चाहिए। अब हम ये भी कर सकते हैं इस रीजन के अंदर हमने एक लोड बैलेंसर फॉर एग्जाम्पल सेटअप किया हुआ है, उस लोड बैलेंसर के अंदर हमने डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उस एक टारगेट ग्रुप बनाए हुए, एक टारगेट ग्रुप के अंदर तीन सर्वर्स पड़े हुए हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में, तो ये भी हो सकता है। ठीक है जी, इस लोड बैलेंसर के पास आ रही है उसके अंदर, उसके अंडर जो है वो तीन वेब सर्वर्स हैं, किसी भी वेब सर्वर के पास ट्रैफिक जाती रहे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा यूएसए कस्टमर आ रहा है तो राउट 53 जियो लोकेशन राउटिंग के केस में आपकी ट्रैफिक एयू इस रीजन में हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी जो है वो राउटिंग कन्फिगर करना चाह रहे हैं, वो आपके एंड यूज़र्स पर डिपेंड करता है या आप जो भी आपके के सिनेरियो आपके केस में बनता है। ठीक है, आप सेट कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, मैंने छोटा सा लेक्चर रखा है, मैंने कहा जी थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हो जाए, और ये अगले 3-4 लेक्चर मैं खुद से छोटे करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आती रहे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने देखा है डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज देखी हैं, 5 टाइप्स ऑफ राउटिंग पॉलिसीज होती हैं, सिंपल राउटिंग पॉलिसी, फेलओवर राउटिंग पॉलिसी, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी, लेटेंसी और वेटेड राउटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम सिंपल राउटिंग पॉलिसी में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो आई थिंक मैं शायद 1 by 1 ही चलूँ, एक हर राउटिंग पॉलिसी को एक सेपरेट लेक्चर में शायद मैं डिस्कस करूँ, मैं देखता हूँ लेक्चर की लेंथ जो है वो कितनी बनती है, लेक्चर ज़रा लंबा ना हो जाए, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो आज के इतने ही रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।